अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताजा खबर की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी उन्हें एडवांस में देनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी, जांच में सहयोग उन्हें करना होगा, केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान वो नहीं दे सकते हैं। इस बीच संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा है कि संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया गया था, आज वो डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी LBS, हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है, तभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे, इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे, उसके बाद वहां से 2 बज सकता है 3 बज सकता है वहां से फिर वो रिलीज होंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ मुकेश शुक्ला और विकास सारथी लगातार बने हुए हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे विकास का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए इसके क्या कुछ मायने हैं। विकास, सबसे पहले आप ही से कि जो जमानत की जो शर्तें दी गई हैं वो क्या हैं, उसके क्या कुछ मायने हैं। बिल्कुल असीम, जमानत की शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि निचली अदालत तय करेगी और उसी के बाद आज निचली अदालत ने जो शर्तें तय की, जैसा आप बता रहे थे कि उसमें 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, उनको एक श्योरिटी देनी होगी इतने ही अमाउंट की, और जो एक मांग थी कि उनको क्योंकि चुनाव का वक्त है इसलिए दिल्ली NCR तक केवल उनको सीमित रहने के लिए ना कोई पाबंदी ना लगाई जाए, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि उन पर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन अगर वो दिल्ली NCR से बाहर जाना चाहते हैं तो उनका अपना जो भी प्रोग्राम है एडवांस में वो जांच एजेंसी के साथ साझा करना होगा। इसके अलावा निचली अदालत ने उनको, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसी के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा था कि इस केस के संबंध में संजय सिंह किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, हालांकि वो बाकी की अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वो किसी भी चुनाव प्रचार में जाना चाहते हैं या कहीं चुनावी बैठक में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन केस को लेकर के वो पब्लिक फोरम पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया था। और असीम, इसके अलावा जब कोर्ट ने इनको जो राहत दी है, क्योंकि पॉलिटिकली उसको लेकर अलग अलग तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे थे कि बहुत बड़ी राहत है या जांच एजेंसी का दावा झूठा निकला, कोर्ट ने कल के अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ED ने क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दिया कोर्ट के आगे कि उनको अब संजय सिंह की हिरासत की जरूरत नहीं है और अगर उनको बेल दी जाती है तो कोई ED को आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की एक याचिका थी जिसमें PML एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, कोर्ट ने उस याचिका का भी को भी निपटारा कर दिया है, उसको डिस्पोज कर दिया है, यानी उस पर भी आगे बहस नहीं होगी। तो ये जो उनकी रिहाई है ये सिर्फ और सिर्फ ED ने जो एक वहां पर अपना राजीनामा दिया था कि उनको कोई आपत्ति नहीं है रिहाई से, उसके बाद दिया है। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही थी अहम कि कोई भी अन्य आरोपी इसको एक तरीके से नजीर बना करके ये नहीं कहेगा कि इस मामले में उसको भी जमानत दी जाए। संजय सिंह का बहुत सीमित भूमिका थी इसमें, उसके चलते ED। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जी। विकास, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक, हम विकास आपके पास आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस पर लगातार बने हुए हैं। मुकेश, ये सारा प्रोसेस जैसे कि आपने उनकी पत्नी को सुना, वो जाएंगे, फिर जो आगे की जो प्रक्रिया है वो तिहाड़ जेल जाएंगे, उसके बाद फिर वो शाम तक अपने घर पहुंचेंगे, अभी इस वक्त कहां पे हैं संजय सिंह? बिल्कुल, अभी वो ILBS में है क्योंकि उनके लीवर को लेकर के जो उपचार चल रहा था उसके बाद वो वहां से छूट करके 2:30 से 3 बजे के आसपास तिहाड़ जेल जाएंगे। लेकिन असीम, जो तिहाड़ जेल की कार्रवाई है उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि जमानत की पूरी जो शर्तें होती हैं, पूरे जो ऑर्डर होते हैं जो निचले अदालत से सुप्रीम कोर्ट निचले अदालत से तिहाड़ जेल भेजे जाते हैं, सबको वेरीफाई किया जाता है कि सारी शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं, उसके साथ साथ उनकी मेडिकल की जाती है, मेडिकल के बाद उनको छोड़ा जाता है। तो लगभग
5 से 6 बजे तक का वक्त लग जाएगा संजय सिंह को तिहाड़ से बाहर आने में। और ये हर एक कैदी के साथ होता है जो पहली बार जेल जाता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उनका जो भी सामान वहाँ पर रखा गया होता है वो भी उनको वापस दिया जाता है, और साथ ही साथ पूरी जाँच के बाद ही उनको तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। अब संजय सिंह जब जहाँ LBS से निकल करके तिहाड़ जेल जाएंगे और उसके बाद तिहाड़ जेल की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है उसमें इतने वक्त तो कम से कम लगेगा। ठीक है मुकेश, एक और सवाल की इस जैसा कि विकास बता रहे थे कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इनको रिहाई दी गई है, ऐसे में जब वो अपने घर पहुंचेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, इस रिहाई को आम आदमी पार्टी उनके कार्यकर्ता कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल, कल हम असीम आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे थे और उनके घर भी गए केजरीवाल के, जहां पर विधायकों की मीटिंग हुई, तो वहां पर सोमनाथ भारती इसको एक सिल्वर लाइन की तरह ले रहे थे, उम्मीद की किरण की तरह ले रहे थे, और उनके लिए ये बड़ी बात थी कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का ऐसे वक्त में वापस आना जिससे ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, यानी उनके बड़े लीडर जो ऑलरेडी जेल में है, ऐसे में संजय सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं वो आगे की अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और संजय सिंह जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से सांसद हैं, काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं वो समय समय पर, लेकिन साथ ही साथ जैसा विकास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस केस को लेकर के वो कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी टेम्परिंग नहीं करेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे उसकी लोकेशन शेयर करेंगे, अगर उनको कहीं बाहर जाना है NCR में तो उसका भी वो इन्विटेशन बताएंगे, उसके कागज जमा कराएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी देख रही है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव है, इसी लोकसभा चुनाव की जो गर्माहट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, राजधानी में भी देखे तो चुनावी पारा सिर चढ़कर बोल रहा है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। वो कह रहे थे कि देश में अगर राम राज है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको स्वीकार है, और कहीं ना कहीं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संजय सिंह अगर बाहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो लीडर्स बंद हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद वहां जगती नजर आएगी, लेकिन साफ साफ ये भी कहा गया कि इस केस को नजीर बनाकर ना पेश किया जाए कि संजय सिंह को बेल मिल गई तो सबको मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल से भी पूछताछ जारी है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, विजय नायर का पूरा सिंडिकेट उनसे पता किया जाएगा, उनके आईफोन के जो पासवर्ड है उसके बारे में अभी एप्पल से जानकारी आनी बाकी है, तो तमाम चीजें हैं, अभी प्रोसीडिंग चलेगी। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया की भी अभी बेल नहीं हो पाई है, इससे पहले के कविता जेल में है, तो अभी वो जो लीडर हैं जो जेल में है उनके लिए तो मुसीबतें बनी हुई है, लेकिन संजय सिंह के लिए फिलहाल राहत की बात है। एक आखिरी सवाल विकास आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो सारा मामला है ये नजीर नहीं बन सकता, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अभी जो नेता तिहाड़ जेल में या अलग अलग जहां भी बंद हैं, वो कस्टडी में हैं या फिर गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, क्या वो कोई आशा की किरण उनके लिए दिखाई देती है? नहीं, उनके लिए आशा की कोई बड़ी किरण नहीं दिखती है, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला ईडी ने शुरू किया, अभी कहते हैं कि CBI को भी पूछताछ करनी है, इसके बाद दूसरी ये जो इनकी भूमिका है उसको लेकर के भी बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता कह रही है, और मनीष सिसोदिया को तो वो लगातार ये कहती है कि उनका सबसे अहम रोल था, तो इन दो लोगों की भूमिका को देखते हुए उनको संजय सिंह जैसी रियायत मिलेगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। आने वाले दिनों में साफ होगा। मनीष सिसोदिया के मामले में फिर भी उनको एक उम्मीद हो सकती है क्योंकि वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी और मुकेश आप दोनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे और इस सबके बीच